हेलो एवरीवन, तो अभी यहाँ पे स्नो लगभग ख़त्म होने वाला है और ये हमारा पहला वीडियो होगा जब यहाँ पे स्नो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। नहीं तो इससे पहले जितने वीडियो गए हैं उसमें आपको सिर्फ स्नो दिखा है। तो मैं दिखाता हूँ कि अभी किस तरीके का यहाँ पे रोड का कंडीशन है और आसपास में क्या है, कैसा मौसम है, सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल में दिखाता हूँ। तो ये जो बिल्डिंग दिख रहा है ये वॉल स्टूडेंट वी है, यहीं पे हम लोग रहते हैं। और इधर देखिए सारे ये जो रोड थे इस पर पूरा आपको एक महीने पहले स्नो दिखता था, अभी पूरा खाली है। और हमारे घर के सामने ये देखिए ये जो है कुछ जानवर यहाँ पे रहते हैं और ये पहले पूरा स्नो से भरा हुआ रहता था तो इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था इस तरीके से रहना। लेकिन अभी क्या हुआ है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा है तो ये लोग थोड़ा बाहर निकले हैं, नहीं तो ये जो घर है इसके अंदर में रहते थे। थोड़ा सा जब आगे बढ़े तो आप देखिए रोड पे तो कुछ है नहीं, एक दो चिड़िया इधर दिख रही है उड़ती हुई और एक दो इधर देखिए बैठे हुए हैं। ये सारे स्नो के टाइम पर नहीं थे। देखिए दो चिड़िया यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, आई होप उड़े ना, पास में जाऊँगा तो शायद ये लोग उड़ जाएंगे। देखिए अदरवाइज इधर में इस तरीके से पंछी जो है नहीं दिखते हैं। यहाँ का जो रोड है देखिए आज वीकेंड है तो इसलिए थोड़ा सा आपको खाली खाली दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन चल रहा है। इंडिया में लॉकडाउन के बाद ऐसा दिखता था और वीकेंड में लोग का मूवमेंट थोड़ा कम होता है इसलिए खाली खाली रोड दिख रहा है। इस एरिया का रोड भी कुछ कुछ मूवमेंट दिख रहा है इधर, बट उतना भी नहीं है क्योंकि वीकेंड के कारण लोग घर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, पार्टी करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। और अभी शाम के 7:30 बजे हैं तो इसलिए भी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं दिख रहा। ये जो देखिए पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं इस पर 10-15 दिन पहले पूरा स्नो था और स्नो ख़त्म होने के बाद इनका हाल देखिए किस तरीके से हो गया, ऑलमोस्ट सूख गया है। और मुझे लगता है वापस इनको अपने पत्ते गेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी देखिए ऐसा लग रहा है सारे पेड़ जो हैं सूख चुके हैं, बट इसमें से कुछ पेड़ है जो कि नहीं सूखा है, मैं आपको उसको फोकस करके दिखाता हूँ। जैसे आपको सामने में दिख रहा है ये जो है स्नो में भी इसको कोई बिगाड़ नहीं सका और उसके बाद भी हरा हरा दिख रहा है। ये है इस पेड़ में भी स्नो का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, वैसा ही है, बट मोस्ट ऑफ द जो ट्रीज हैं वो लगभग सूख चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि पत्ता है ही नहीं, कुछ दिनों में गिर जाएंगे। ये आपका पूरा जो बालू दिख रहा है बेसिकली वॉलीबॉल का ग्राउंड है और कुछ दिन पहले यहाँ पे पूरा बर्फ से ढका हुआ था ये इलाका, लेकिन अभी देखिए रेडी हो चुका है और हमें लगता है कुछ दिनों बाद इसमें लोग वॉलीबॉल खेलते हुए नज़र आएंगे। तो ये वॉलीबॉल ग्राउंड का हल है। इसके ठीक आगे जो है ये आपको जो ग्रीन दिख रहा होगा ये बेसिकली घास नहीं है, आर्टिफिशियल तरीके से इसको लगाया गया है। और ये जो है फुटबॉल ग्राउंड, तो फुटबॉल ग्राउंड भी रेडी है, अब इसमें फुटबॉल खेला जाएगा कुछ दिन बाद। तो ये देखिए इस पर अभी स्नो का कोई ज़्यादा खास असर नहीं है, ये ऑलरेडी रेडी है, आर्टिफिशियल है तो मुझे लग रहा है इसको कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल घास होता तो जल गया होता। और यहाँ पे फुटबॉल पड़ा हुआ है ऑलवेज, मुझे लगता है इस पर स्नो का इफेक्ट हुआ है। ये देखिए कैसा हो गया, बॉल को मारते हैं, देखिए ये पूरा स्नो को झेला है फुटबॉल। तो ये सारे वो इलाका थे जहाँ पे स्नो ऑलमोस्ट नहीं दिख रहा, लेकिन अभी भी कुछ जगह हैं जहाँ पे आपको स्नो जो है आइस के फॉर्म में दिख रहा है। जैसे देखिए ये रास्ता है, मेन रास्ता है, और यहाँ पे अभी भी इस तरीके से आपको
स्नो जो है जमा हुआ दिखेगा। और ये रास्ते पे जितना आगे बढ़ेंगे सीधे आपको पूरा दूर तक देखिए पूरा स्नो स्नो, और वो आइस के फॉर्म ले लिया भाई। थोड़ा सा डेंजरस होता है वॉक करने में। और ये एरिया पूरा रेजिडेंशियल इलाका है, तो लोगों का ज़्यादा मूवमेंट फिर भी नहीं है। लेकिन आप देखिए घर ही घर आपको दिख रहा होगा आसपास में। और अभी अंधेरा अंधेरा लग रहा है क्योंकि शाम के 8 बजे हैं और कुछ ही देरों में इधर रात हो जाएगा। इसके बाद जो भी कुछ है सब दिख रहा है वो भी नहीं दिखेगा। तो अब धीरे धीरे जो है यहाँ पे दिन बड़ा होना शुरू हो गया है और रात अभी मुझे लगता है 9 से 10 घंटे का हो रहा होगा। तो आसपास के देखिए इलाका किस तरीके से दिख रहा है। ये जो जगह है ये थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है क्योंकि इस पे समर के टाइम में एक हमारा रूममेट है अमन, उसका यहीं पे बैठ के इंटरव्यू कंडक्ट किए थे और वो वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है। उस समय यहाँ पे पूरा आसपास में घास दिख रहा था और ये पेड़ में पूरे पत्ते लगे हुए थे, तो ये पूरा अच्छा दिख रहा था यहाँ पे। तो हम लोग अच्छा बैकग्राउंड चूज किए थे। लेकिन अभी देखिए इसका क्या हाल हो चुका है। आसपास में आपको ऐसा लग रहा है कि पूरा जो है पतझड़ के बाद जिस तरीके से इंडिया में दिखता है वैसे ही यहाँ पे आसपास पूरा पत्ते पत्ते दिख रहे होंगे। और मतलब उतना अच्छा बैकग्राउंड अभी नहीं दिख रहा जितना अच्छा उस समय दिख रहा था। ये हमारा दूसरा लोकेशन है जहाँ पे बैठ करके भी वीडियो हम लोग बनाए थे निखिल के साथ, और एक जर्मन लड़की थी उसके साथ भी जो वीडियो पड़ा हुआ यहीं पे बैठ के बनाए थे हम लोग। उस समय इसका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा था, पूरा ऐसा हरा हरा दिख रहा था। लेकिन अभी देखिए कैसा दिख रहा है। तो अभी प्लान था यहाँ पे बैठ के वीडियो बनाने का, लेकिन अभी ठंड इतना ज़्यादा है, टेम्परेचर रेज किया है फिर भी ठंड है। अभी मेन सिटी में भी अगर आप थोड़ा सा साइड में जाएंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा, थोड़ा सा स्नो दिख जाएगा और आसपास में कुछ नहीं दिखेगा। और स्नो भी जो है इस पर अगर आप इस तरीके से रखें तो ये स्नो जो है जमा हुआ नहीं है, तो क्योंकि इधर में लोगों का मूवमेंट नहीं होता है। तो ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार पे है, इसके बाद आपको शायद ही स्नो दिखे। ये जो ब्रिज दिख रहा है इस पर पूरा स्नो भरा हुआ रहता था, अभी देखिए कितना शानदार दिख रहा है। यहाँ से सामने एक्स्ट्रा दिख रहा होगा वो हमारा मेन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वहीं से सारे खाने पीने का सामान खरीदते हैं। और एक दूसरा इधर है वहाँ से हम लोग नहीं खरीदते हैं। अभी बरसात होने लगी है, थोड़ी थोड़ी पानी के बूंद गिरना शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है सही समय पे घर पहुँच जाया जाए, नहीं तो मैं भीग जाऊँगा। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और थैंक यू सो मच।